अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, हकीम मोहम्मद फयाज उम्मुल शिफा हर्बल क्लिनिक से आपसे मुखातिब है। कुफ्तबा के हवाले से एक बेहतरीन हर्बल टिप लेके आया हूँ जो इंशाल्लाह आपकी कुफ्तबा को बूस्ट करेगी, मर्दाना ताकत को बूस्ट करेगी और नफ्स की सख्ती को बूस्ट करेगी। और जो लोग अजवाजी ज़िंदगी में परेशानियों मैं मुबतला हैं उनके लिए एक बेहतरीन वीडियो है। इंशाल्लाह ये वीडियो देख के आप अपनी अजवाजी ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाएंगे और मर्दाना कमजोरी के हवाले से भी आपको बेहतरीन हर्बल टिप मिलेगी। कुफ्तबा के हवाले से इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको मसला नहीं होगा। तो टॉपिक की जानब जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। आते हैं टॉपिक की जानब, कुफ्तबा की कमी क्यों होती है। मैं बताता चलूँ, कुफ्तबा की कमी उन हजरात में होती है जो इसकी वजूहत है मेन मैं बताता हूँ। जो लोग सिगरेट नोशी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, गर्म खुश अशकिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म में खुश्की हो जाती है, अंतड़ियों में खुश्की हो जाती है, तो जिगर जो है वो बलगम कम बनाता है खून। तो जब बलगम कम बनेगी तो खून में बलगम शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो जब बलगम कम बनेगी कुफ्तबा जो मादा मनविया है उसमें कमी आएगी। तो मादा मनविया की कमी को दूर करने के लिए आप मुगलस गजाएं खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता काजू बेहतरीन है जो कुफ्तबा की कमी को फिल फॉर पूरी करता है। और इसके हवाले से एक बेहतरीन मैं हर्बल टिप बताने जा रहा हूँ, इसको नोट फरमा लें। मोस्टली स्या एक किलो को आपने आधा किलो दूध में अच्छी तरह जोश देना है। जब दूध सारा जज़ब हो जाए तो आपने मोस्टली स्या को आपने बाहर निकाल लेना है, उसको खुश कर लेना है। खुश का कोशिश करें कि कहीं मिट्टी वगैरह में या धूप वगैरह में नहीं करना है, इसको साय में खुश करना है। जब खुश हो जाए तो उसको आपने कूट छान कर आपने इसमें जुजवा बसबासा एक एक पाव मिला लेना है। तो शहद की मदद से आपने गोलियां तैयार कर लेनी है, गोलियों को जो साइज हो वो काले चने के बराबर हो। तो ये एक गोली आपने रोज सुबह के टाइम दूध के साथ एक गोली आपने खा लेनी, तो इंशाल्लाह इससे कुफ्तबा की कमी भी दूर होगी, कुफ्तबा में इंशाल्लाह इजाफा होगा। जिन हजरात को हम बिस्तरी में सेक्स में लज्जत नहीं आती उनके हवाले से मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हम बिस्तरी में भी बेपनाह लज्जत हासिल होगी, मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होगा, नफ्स में सख्ती आएगी और चेहरे पे रौनक आएगी। एक बेहतरीन एक नुस्खा है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक। ये मैं ज़्यादा मकदार में नुस्खा बताया है, आप इसको कम मकदार में भी कर सकते हैं। मतलब कि एक पाव मोस्टली लें और इसी तरह आप इसके तनासब बना सकते हैं जो वजन का है। ये मैं एक आइडिया देना था, मेरा मकसद था आपको एक आइडिया देना, एक आइडिया दिया है। इसके हवाले से आप नुस्खा को तैयार कर सकते हैं, जो हजरात नहीं तैयार कर सकते उनको तैयार नुस्खा भी मिल जाएगा। और अल्लाह के फजल से हम 72 कंट्रीज़ में मेडिसिन डिलीवरी भी देते हैं। तो जिन हजरात को मेरी वीडियो पसंद आई है वो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को भी बताएं, और जिन किसी को कुछ किसी टॉपिक पर बात करनी है वो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा और उस पर वीडियो बनाई जाएगी। और जिनको कोई तिबी मशवरा चाहिए तो वो मेरी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं 0300-256-9555 पे, और मेरे क्लिनिक में तशरीफ ला सकते हैं अपने रिपोर्ट्स के हमरा। इंशाल्लाह हर मर्ज का शफी इलाज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं आपसे आप इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।